दीपक केड़ेकर है, मैं मनोविकार सेक्स रोग सम्मोहन व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ, महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है जहां हम मनोरुग्ण और व्यसनी लोगों को भर्ती करते हैं बिना रिश्तेदार, और दूसरा हॉस्पिटल है रिश्तेदारों के समेत भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। वैसे मैं काउंसिलिंग करता हूं, अलग अलग तरह के लोग आते हैं मेरे पास में जो प्रॉब्लम्स लेके आते हैं, है ना, पूरे देश में से लोग आते हैं, पूरे देश में से लोग मुझे फोन करते हैं, काउंसिलिंग लेते हैं, मतलब काउंसिलिंग लेते हैं, काउंसिलिंग करवा के लेते हैं, फोन पे सलाह लेते हैं और उनके जीवन में वो अच्छा शक्तिशाली जीवन वो जीते हैं। एक हमें लड़का जो जिसने मुझे फोन किया, वो MBBS को थर्ड ईयर को पढ़ रहा है, और उसने मुझे फोन से अपॉइंटमेंट लेके काउंसिलिंग के लिए उसने टाइम लिया, और उसके जब सेशन हुए, अभी उसके करीब करीब 5 सेशन हुए, तो उसको भी धीरे 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 फायदा होने लगा है। प्रॉब्लम उसका यह था कि वो घर से जब निकलता है बाहर और मेडिकल कॉलेज से वो निकलता है तो उसको विचार आते हैं, एक तो कि लोग मेरे को देख रहे हैं और लोग मुझे जज कर रहे हैं, लोग मेरे बारे में ओपिनियन बना रहे हैं, और वो कुछ तो भी मुझे देख रहे हैं और कुछ तो भी ओपिनियन बना रहे और वो बुरा ही ओपिनियन बना रहे, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, वैसा मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर वो डेफिनेटली जो बना रहे ओपिनियन वो बुरा ओपिनियन है और लोगों ने मेरे बारे में बुरा ओपिनियन बनाना अच्छा नहीं है, तो इसलिए फिर वो बाहर जाता नहीं, किसे मिलता नहीं, और उसको ऐसा डर नहीं है, मतलब कि भाई डर है या धड़कन हो रही है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, ऐसा नहीं है, मगर उसको वो विचार आते हैं कि नहीं लोग मेरे बारे में बुरा सोचेंगे, लोग मेरे को जज करेंगे, ये लड़का कैसा है, ये तो दिखने में भी अच्छा नहीं है, ये बुटका है, ये चश्मा पहन रहा है, इसको कैसा, मतलब ये ऐसा कैसा लड़का है, ये ऐसा कैसा डॉक्टर बनेगा, ऐसा उसको लगता कि ये जज कर, मतलब भाई तू ये बता कि कभी लोगों ने किसने आके तुमको पूछा कि तू ऐसा कर रहा है या तू ऐसा है या हमारा जजमेंट ऐसा, नहीं बोले किसने बोला नहीं है, मतलब ये लोग क्या कहते होंगे या लोग क्या कहेंगे, ये तो सबसे बड़ी बीमारी है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये तो मैं हरदम बोलता हूं कि हमको सबसे बड़ा रोग है कि लोग क्या कहते होंगे, लोग क्या कहते होंगे, लोग क्या जजमेंट करते होंगे, लोग क्या जजमेंट करते हो, और हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा लाइफ उसमें बंधा हुआ है कि लोग क्या कहते, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग कुछ भी कहते नहीं, लोगों को टाइम भी नहीं है। मैंने उसको काउंसिलिंग में बोला कि तू इतना बड़ा आदमी नहीं है कि लोग तेरे बारे में सोचते बैठेंगे, इतना तो बड़ा है, तू तो स्टूडेंट है थर्ड ईयर का, तू इतना बड़ा नहीं है कि तेरे गांव के लोग तू दिखने के बाद में लोग तेरे को ही सोचते बैठेंगे, आपको लगता है ऐसा, मतलब उसको ऐसा लगता है कि लोग क्या सोच रहे मेरे बारे में, लोगों को ऐसा लगता है कि ये क्या लोगों के बारे में सोच रहे, मतलब हर एक जन अपने अपने फिराक में है कि लोग क्या सोच रहे, लोग क्या सोच रहे, किसको फुर्सत है, मगर ये एक तरह की बीमारी है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि हमारा पूरा जो मतलब लाइफ जो है, हमारी जिंदगी जो है वो ये दायरे में है कि भाई मैंने अच्छा दिखना चाहिए, लोगों ने मेरे को अच्छा बोलना चाहिए, लोगों ने मेरी वाह वाह करना चाहिए, लोगों ने मेरा एडमिरेशन करना चाहिए, तारीफ प्रशंसा करना चाहिए, और वो लोग कहेंगे तो मुझे अच्छा लगे। मैं उसको बोला भाई तुमको लोग क्या कहेंगे, यही प्रॉब्लम है क्या, बोले हाँ यही प्रॉब्लम है, बोला ऐसा करता हूँ मैं रोज तुम्हारे घर पे 4 आदमी भेजता हूँ, वो क्या करेंगे सवेरे घर पे आएंगे तुम्हारे दरवाजे पे खड़े रहेंगे, तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे, उनको 20-20 रुपए दे देना, चाय पिलाना ना मना करो, आपको लोग क्या कहेंगे चिंता है, तो नहीं बोला ऐसा कैसा, ऐसा मतलब झूठी तारीफ कैसा, सच्ची तारीफ करना चाहिए लोगों ने, मतलब किसने तेरे को बोला लोग सच्ची तारीफ करते, लोग जो आपकी तारीफ करते हैं, लोग जो आपकी प्रशंसा करते हैं वो तो मुंह पे करते हैं, आपके पीछे लोग कितना अच्छा बोलते हैं उसके ऊपर आप अच्छे हैं कि बुरे हैं वो मालूम पड़ता है, कि भाई आपके पीछे जब आप वहां मौजूद नहीं है तब आपके बारे में लोग क्या कहते हैं, सामने तो लोग अच्छा ही बोलते हैं, तो सामने अच्छा बोलने के लिए मैं रोज लोग तुम्हारी तरफ भेज देता हूँ, अच्छा अच्छा बोलेंगे चले जाएंगे, उनको 20-20 रुपए दे दो, एक चाय का कप उनको पिला दो, अच्छा बोल रहे, नहीं बोला ऐसा नहीं, लोगों ने अच्छा बोलना चाहिए, मतलब फिर ये जो है एक तरह की बीमारी है, और ये बार बार विचार आते, जैसा ही घर के बाहर पड़ा तो विचार आना शुरू हो जाते, और अनजान लोग है क्या कहते होंगे। वैसे काफी चर्चा उसके साथ में सेशन हुए, उसको मैंने हिप्नोसिस के सेशन दिए, हिप्नोसिस सेशन में हम क्या करते हैं हिप्नोटिज्म में, उसको रिलैक्स करते हैं, रिलैक्स पूरा बदन रिलैक्स करने के लिए बोलते हैं, पूरा बदन रिलैक्स होने के बाद में उसको बोलते हैं अभी तू विजुअलाइज कर, अभी विजुअलाइज करने का है कि तुम लोगों में जा रहे, रस्ते पे जा रहे, लोग तुम्हारी तरफ देख रहे और लोग जज कर रहे होंगे नहीं कर रहे होंगे, क्या फर्क पड़ रहा है,
ऐसा अपने आप को विजुअलाइज करके देखना है, अपने आप को एक पिक्चर तैयार करके देखना है। और ये देखना है कि लोग बोल रहे, जो बोलना है बोल रहे, आके तो कुछ बोल नहीं रहे, जो सोच रहे वो सोच रहे, वो मेरा विचार नहीं है, मतलब वो एक्चुअली सच नहीं, वो मेरा विचार है एक्चुअली, लोग क्या कहते होंगे ये, और लोग कुछ भी कह रहे हैं, मेरा विचार है, ये बाहर का उनका कोई विचार नहीं, किसने आके मुझे बोला नहीं है। ऐसा अपने आप को एक थर्ड पार्टी करके देखना है कि भाई कोई तो भी बाहर से आपको देख रहा है, आप जा रहे हैं, लोग भी दिख रहे हैं सामने, और लोग जो भी सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं, अपने को उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, ये मेरा ब्रेन जो है वो रिएक्ट कर रहा है, जैसे ही लोग दिखे वैसा मेरा ब्रेन रिएक्ट करता है, जैसे लोग दिखे वैसा रिएक्ट करना चालू करता है। एक्चुअली लोग कुछ भी बोलते नहीं है, ये जब आप बार 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 सम्मोहन की अवस्था में देखेंगे अपने आप को, सोचेंगे, बार बार हैमरिंग करेंगे, उसका फायदा होगा। अभी उसका पांचवा सेशन हुआ, उसमें बोला मुझे काफी फर्क पड़ रहा है, अभी मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, लोग जो बोलते होंगे करते होंगे, तो क्या करना है, बोलने लोगों को। मगर ऐसे काफी सारे हजारों लाखों लोग होंगे ये दुनिया में कि जो ये बीमारी से ग्रस्त है कि लोग क्या कहेंगे, उसको मैं बोलता हूं LKK सिंड्रोम, लोग क्या कहेंगे। तो लोग कुछ भी कहते नहीं है, जो लोगों के कहने को महत्व है, मायने रखता है कि नहीं ये लोग बहुत महत्व के और वो क्या कहेंगे, तो इतने महत्व के लोगों को आपके बारे में बोलने के लिए टाइम नहीं है, इसलिए कुछ बोलते समझो बोला तभी फर्क नहीं, क्योंकि वो तो उनको टाइम ही नहीं है। जो लोगों को टाइम है वो इतने ऐसे लोग है कि जिनके बोलने को महत्व नहीं है, तो वो लोग महत्व के नहीं है, उनके पास में टाइम है वो बोलते रहते, उनको अपने महत्व देने का नहीं, और जो लोगों को महत्व मैंने देना चाहिए उनको टाइम ही नहीं है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। ऐसे काउंसलिंग में काफी सारे सवाल जवाब होते रहते हैं। फिर हिप्नोसिस है, उसमें विजुअलाइजेशन करके अपने आप को देखना है कि हम रास्ते में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट लग रहा है, मेरा कॉन्फिडेंस कुछ लूज नहीं हुआ, मैं कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर रहा हूं और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे फ्रेश लग रहा है, ऐसा विजुअलाइज करने का, वो भी उसको बोला, काउंसलिंग किया। और ये जो बार बार जो विचार आते, तो ये ऐसा एक थ्योरी है कि सेरोटोनिन डिप्रेशन, सेरोटोनिन कम होने से ऐसे विचार आते हैं, तो उसको वो भी थोड़ी मेडिसिन दे दिया, उससे भी उसको अच्छा लगने लगा था। तो ऐसे काफी सारे लोग हैं कि जो ऐसे कुछ ना कुछ बार बार विचारों से ग्रसित है, या लोग क्या कहेंगे ये बीमारी से ग्रसित है। को जरूरी वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपको अच्छा लगा तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।